डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडर IFRS 16 लेसी अपनी बुक्स में राइट टू यूज एसेट को किस तरह से रिकॉर्ड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमेंसमेंट डेट के ऊपर लेसी शल रिकॉग्नाइज अ राइट ऑफ यूज एसेट एंड सिमिलरली उसके साथ एक लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड की जाएगी। जब हम राइट ऑफ यूज एसेट की बात करते हैं तो राइट ऑफ यूज एसेट को इनिशियली मेजर किया जाएगा उसकी कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई की जाएगी? सो एज पर IFRS 16, द कॉस्ट ऑफ राइट टू यूज इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द लीज लायबिलिटी। यानी इसके लिए आपको लीज लायबिलिटी को इनिशियली मेजर किया जाएगा, जो कि राइट ऑफ यूज का पार्ट बनती है। उसके साथ आपको ऐड करना होगा एनी लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट माइनस एनी लीज इंसेंटिव रिसीव्ड। तो आपने लीज कमेंसमेंट से पहले या लीज कमेंसमेंट के ऊपर अगर कोई एडवांस रेंटल दिया है, कोई और पेमेंट की है वो, और अगर उसके अगेंस्ट कोई इंसेंटिव मिला है तो उसे नेट ऑफ करके रिकॉर्ड किया जाएगा और एड कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर लेसी ने कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड की है वो भी इसका पार्ट बनेगी, प्लस कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनकर्ड होनी है इन ऑर्डर टू रिमूव दैट एसेट और रिस्टोर द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड, तो वो कॉस्ट भी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में एड कर दी जाएगी, राइट टू यूज एसेट का पार्ट बनेगी। इनिशियली राइट टू यूज आइडेंटिफाई करने के बाद सब्सिक्वेंटली हर साल एयर एंड के ऊपर राइट टू यूज एसेट को रीमेजर किया जाएगा और लेसी शल मेजर द राइट ऑफ यूज एसेट अप्लाइंग अ कॉस्ट मॉडल अनलेस इट अप्लाइज आइदर ऑफ द अदर मेजरमेंट मॉडल। तो नॉन करंट एसेट को हम IAS 16 के अकॉर्डिंगली कॉस्ट मॉडल पे भी वैल्यू कर सकते हैं और अगर चाहें तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी वैल्यू कर सकते हैं। अगर हम कॉस्ट मॉडल पे वैल्यू करते हैं तो नॉर्मली लीज लेसी शल मेजर द राइट ऑफ यूज एसेट एट कॉस्ट माइनस एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एनी एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस।